हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी हरदास, कैसे हो आप सब। तो आज है सैटरडे और हम लोगों की इस सेशन की फर्स्ट पीटीएम है। तो मैं और वरदान नाद होके हो चुके हैं रेडी, तो सोचा हम ही व्लॉग का स्टार्टिंग कर देते हैं और स्टार्टिंग करते हैं प्रभु दर्शन के साथ। और डैडा अभी ऑफिस जा चुके हैं, मम्मा डैडा ने एक साथ पूजा कर ली थी और मम्मा अभी हो रही हैं तैयार पीटीएम में जाने के लिए। तो सैटरडे संडे आप सबको पता है डैडा बिजी रहते हैं, इसलिए आज वो पीटीएम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए सिर्फ मम्मा मैं और वरदान ही पीटीएम में जाएंगे पीटीएम अटेंड करने। राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास, कैसे हैं आप लोग। सुबह का समय है, 10 बजे हुए और हम भागा भाग जा रहे हैं कहाँ पे, स्कूल में जा रहे हैं क्योंकि परिवर्तन की है आज पीटीएम और उर्वी अनवी की भी है उनके स्कूल में पीटीएम। तो अनवी की पीटीएम हो चुकी है 9 o'clock और उर्वी की है 1 o'clock पे जो कि ऑनलाइन है और परिवर्तन की जो है वो है ऑफलाइन। तो भैया हम लिफ्ट में एंटर हो चुके हैं और जल्दी से नीचे पहुंच जाए, गाड़ी में बैठ जाए और दरादर स्कूल में पहुंच जाए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये सेशन की फर्स्ट पीटीएम है। मैं भी अटेंड करने के लिए, देखो पता चलता है इन लोगों के बारे में कि क्या कंप्लेंट मिलती है और क्या अप्रिशिएशन मिलता है। गंदे का जूस, ये देखो मेरे पीछे, मतलब फ्रेश फ्रेश आइटम से गंदे का जूस निकल रहा था। वो हम लोग पहले गंदे का जूस पिएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है अभी, तो आधा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। तो पहले हम अपने गन्ने का रस को इन्जॉय करते हैं, ये रहा मेरा वाला। सच्ची बताऊँ तो गन्ने का जूस पीने का शौक मुझे बहुत है, विनोद को भी बहुत पसंद है, परी को भी पसंद है, बट हमारे बेटे को मतलब वरदान को बिल्कुल भी गन्ने का जूस पसंद नहीं है। और कितना भी टेस्टी बनवा दो लेकिन वो कभी नहीं पीता है गन्ने का जूस। तो परी तो बहुत चुस्कियाँ ले पीती है, बहुत यम्मी लगता है उसको, एक की जगह 2 गिलास पिला दो। तो अभी 6 बजने वाले हैं तो मैं ना बेड पे ही लेटी हुई हूँ, मुझे लगा कि देखती हूँ शाम हो गई नहीं होगी, जैसे पर्दा हटाया ना तो सामने दिखाई दे गई कि अरे भैया अभी तो बहुत सारी धूप है। तो मैं बालकनी में निकली, मैंने कहा एक्चुअल पता तभी लगेगा मुझे जब मैं बाहर निकलूँगी। तो देखा मैंने पार्क की साइड में तो खूब अच्छी खासी धूप मुझे दिखाई दे रही थी एकदम से, तो मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था ना, तो मैंने सोचा अभी 5 मिनट के लिए और लेट जाती हूँ बेड पर और 5-7 मिनट के बाद में तभी उठूँगी। अभी बजे हुए हैं शाम के 6 और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। शाम के 5 बजते ना तो मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आनी शुरू हो जाती है कि मेरे हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन भी गिर पड़ता है कई बार। तो जैसे ही मुझे बहुत नींद आई मैंने अपने पिलो के नीचे रखा फ़ोन और एकदम से सो गई। अब आँख खुली है मेरी, जब एकदम से लग रहा था ना कि आंधी सी आ गई, कुछ हवा तेज़ हो रही है एकदम से। तो बच्चे खेल रहे हैं अभी यहाँ पर बाहर और मैं और विभो दीदी अभी पियेंगी चाय, क्योंकि पहले मैं धो के आती हूँ मुँह जाके, जब तक मैं आँखों में अच्छे से पानी के छपके नहीं लगाती ना तब तक मेरे आलस दूर नहीं होता बिल्कुल भी। चाहे मैं सुबह उठूँ या शाम को उठूँ सबसे पहले आँखों में छपके ज़रूर लगाती हूँ ताज पानी के। तो अभी पहले आइस धो के आती हूँ और उसके बाद मैं फिर चाय पीते हैं, तब थोड़ा सा फ्रेश होंगी, एक्टिव होंगी, तब जाके कुछ काम करूँगी। के आते ही एकदम मैं हो गई फ्रेश और अभी चलते हैं, अब पीते हैं एक गर्मा गर्म चाय तो और ही ज़्यादा फ्रेश हो जाऊंगी। फिर मैंने इधर आके देखा तो ये क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि छोटा है तो सो रही थी अनवी मतलब, और परी उर्वी को लगा रही थी मेहंदी। तो एक्चुअली परी डे में नहीं सोई है, ना उर्वी सोई है, ना वरदान सोया है, तो कुछ तो करेंगे ही ना बच्चे। और भाई आज तो वैसे ही पीटीएम हो गई, स्कूल ऑफ हो गए, अब तो 1 महीने इनको यही सब करना है। अच्छी बात है, एक्टिविटी करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही, कुछ सोने से कुछ थोड़ा ना हासिल हो जाता है, वैसे ही सोना तो कम चाहिए, बहुत ज़्यादा सोना तो खैर बैड हैबिट्स पे आता है, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। तो मैं तो प्रीफर यही करती हूँ कि चाहे आप कुछ भी काम करते रहो दोपहर में, लेकिन थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, 1/2 आवर के लिए लेट जाओ, 1 आवर के लिए लेट जाओ, लेकिन बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, कुछ नई चीज़ सीखते रहना चाहिए। तो भैया परी ने पहले अपने एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी तो उसकी तो उतर गई, बहुत अच्छा सा कलर आया, और यहाँ पे इसने देखो छोटी सो के उठ गई उसको भी मेहंदी लगा दी, और उर्वी को भी लग चुकी है मेहंदी, आप देखो अनवी को भी लग गई है। और मेहंदी हटाने के बाद में ना ये तो अब नहा के भी आ गई है मोटो, और पता है वरदान की और इसकी हो गई अच्छी वाली फ़ाइट,
वरदान को मैं डांट रही थी, ये और वरदान दोनों ना एक साथ नहा रहे थे बाथरूम में, तो बहुत देर हो गई इनको नहाते नहाते भाई, तो मैंने कहा इनका दूध बना हुआ रखा हुआ था तो इनको डांट पड़ गई अच्छे खासे वाली, तो वरदान को तो एक चाटा लग गया खाए, लेकिन इसी गुस्से में वरदान ने उसको थप्पड़ मार दिया कि तेने मेरी पिटाई करवा दी, दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों शिकायत करने मेरे पास आ गए।